नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। फरीदाबाद के सेक्टर 30 पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल में किसी भी विकट परिस्थिति से कैसे बचाव हो, इसका अभ्यास कराया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव सहित फरीदाबाद पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज हमने यह मॉक ड्रिल की जो हमारा पुलिस लाइन में, तो सबसे पहले मैं सीपी साहब का और हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर नीतीश जी का धन्यवाद करूंगा। ये इन्हीं का इनिशिएटिव था। पूरे पुलिस विभाग ने जिस तत्परता से और जिस कोऑर्डिनेशन से काम किया, आप सभी ने देखा है। डिफरेंट टीम्स, चाहे वो स्वेट हो, हमारे रेड क्रॉस हो, होमगार्ड हो, SDRF हो, मेडिकल टीम है, सभी का आपस में तालमेल लगा। फायर का भी आप बात करें तो फायर ने अपना डिस्प्ले किया, अपनी मशीनों का डिस्प्ले किया, अपनी वैन्स का डिस्प्ले किया, तो बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही। पर्पस यही है कि इवेंचुअलिटी या कोई भी आपदा कभी भी आ सकती है, तो इस तरह की मॉक ड्रिल्स हम बीच बीच में करते रहेंगे, तो हम अपने आप को तैयार रखेंगे। इवन जो हमारे यंत्र हैं या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी अननेसेसरी जंग ना लगे और वो रेडी टू यूज़ रहें, वही पर्पस है। नहीं तो कई बार देखा जाता है कि लास्ट टाइम में हम यूज़ करते हैं, या तो उसका कोई सामान नहीं मिलता या वो फंक्शन नहीं करती। इस तरह की यदि हर क्वार्टर में एक बार होता रहेगा, तो वो भी आदमी भी तैयार रहेगा और मशीन भी तैयार रहेगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, आग काफ़ी ज़्यादा जगह लग रही है, तो ऐसे में व्यवस्था किस तरीके से, फायर की बात कर लें तो सबसे पहले व्यवस्था किस तरीके से, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो पंजाब में हुआ उसके बाद फरीदाबाद में हम देख रहे हैं लगातार पुलिस तो काम कर रही है, उसके साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयार है? नहीं, बिल्कुल, देखो आप एग्री करेंगे कि गर्मी पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे सफिशेंट नंबर हमारे पास फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, जहाँ पर भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो उम्मीद करें कि इस तरह की ज़रूरत ना पड़े। लोगों को भी हमने आगाह और आग्रह किया है कि आप पहले ही सेफ्टी रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आग ना ही लगे, क्योंकि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अपने फैक्ट्रीज़ में ये सर्विसेज, फायर से रिलेटेड सभी इंतजाम हो और इस तरह की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना रहे, और बाकी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मुस्तैद है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। बाजारों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अतिक्रमण होता है, ऐसे में कहीं किसी दुकान में, किसी मॉल में आग लग जाते हैं, तो वहाँ तक फायर जो गाड़ी है वो पहुँचने में असमर्थ रहती है, तो उस व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त करेंगे? एक बार रीचेक कर देते हैं, यदि ऐसा कोई भी हमें मॉल या ऐसी कोई बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर हमारी फायर की गाड़ी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि आप देखेंगे कि DTP की जो प्लानिंग होती है, प्लान में एक लेआउट होता है कि चारों तरफ से फायर की गाड़ी मूव कर पाए, इस तरह के एक बार चेक्स भी कर देंगे। और हमारे पास बाइक्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे हमारी बाइक्स बिल्कुल अंदर तक भी पहुँच पाएगी। आपने रिसेंटली जो हमारा इवेंट हुआ था, सूरजकुंड मेला हुआ था, वहाँ पर भी कोने कोने तक, चप्पे चप्पे तक हमारे जो मोपेड्स पे सवार थे फायर वाले, वो पहुँच पाए थे। क्या ये माने कि जिला प्रशासन फरीदाबाद पूरी तरीके से तैयार है? नहीं, जिला प्रशासन और पूरी पुलिस प्रशासन कंधे से कंधे मिला के बिल्कुल तैयार है। जो भी अभी हमें न्यूज़ आ रही है बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स की भी, उसमें उसी की तैयारी के चलते हमने काफ़ी जगह, हम मॉल्स वगैरह में जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे हम सारे तरीके से चेक करा रहे हैं, एंटी सेबोटाज चेक करा रहे हैं। उसके बाद हमारी जो स्वाट टीम्स हैं, जिनका प्रदर्शन आज हुआ है, वो भी एक तरीके से उनकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए ही हमने ये मॉक ड्रिल कराई है, और सारे जोन्स में इन टीम्स का हमने गठन किया है ताकि ये लोग हमेशा तत्पर रहे, कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम इसके लिए तैयार रहें। उसके अलावा जो भी हमारा आज का मॉक ड्रिल रहा है, इसकी सक्सेस मतलब मैं DC सर को भी देना चाहूँगा कि सर ने इतने अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके सारे जितने हमारे विभाग थे, वली हो, हेल्थ का विभाग हो, फायर का विभाग हो, उन सब का कोऑर्डिनेशन करके इतनी अच्छी ड्रिल हमारी हो पाई, उसके लिए मैं सर को, और वो सर खुद आए, उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा सर को। और हमारा जितना भी कोऑर्डिनेशन है सिविल विभाग के साथ बहुत अच्छे से हो रहा है, और कोई भी आपदा के लिए फरीदाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से तैयार। कई बार मॉक ड्रिल आपने कराए हैं, पहले भी कई बार हो चुके हैं, उसके मुकाबले बात की जाए तो इस बार का मॉक ड्रिल कितना परफेक्ट मानते हैं आप? देखिए, इस बार का मॉक ड्रिल इसलिए अच्छा मैं मानता हूँ क्योंकि सारे विभाग ने इस बार कोऑर्डिनेशन के साथ, जितनी भी हमारी भले ही स्वैट टीम थी, फायर की टीम थी, जो डिपार्टमेंट का हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम थी, सभी ने कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ होकर कैसे काम करना है वो प्रदर्शित किया है, जो कि सराहनीय है, और मैं मतलब मानता हूं कि ये ड्रिल बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुई है। जिला प्रशासन के साथ फरीदाबाद के, क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है? ये आपने मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में भी देखा होगा, और पूरी तरीके से हमारे जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और सर का जो नेतृत्व है बहुत ही अच्छा रहा है डिस्ट्रिक्ट में, और हम उसी की तरह साथ में मिलकर अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू।